स्वागत है एक नई रेसिपी में। आज मैं बनाने वाला हूं कोकोनट सेल इडली और बहुत ही आसान रेसिपी के साथ। तो वीडियो में फटाफट से आगे बढ़ते हैं और बनाना शुरू करते हैं। अब कोकोनट सेल इडली आप आसानी से घर पर ही बना के एंजॉय कर सकते हैं। बस आपको लेना है इडली राइस, यह आसानी से आपको मार्केट में इजली मिल जाएगी। गोटा दाल भी आपको मार्केट में इजली मिल जाएगी। इन सबको सोक करना है कम से कम 3 घंटे तक। फिर इन सबको अलग अलग पीसना है। पहले हम दाल को पीसेंगे कि दाल पीसने के बाद फिर हम राइस को पीसना है। तो ये जो हम पानी डाल रहे हैं तो पानी ज़्यादा नहीं डालना है, नहीं तो ये पतले हो जाएंगे, और इनको अलग बाउल में निकालना है। तो ये जो मेरा दाल पीसा है मैंने, देखिए अभी इसको अलग मैंने एक बाउल में निकाल लिया है। अब बारी है राइस को पीसने की। तो जो राइस को पीसना है वो भी उतना ही पानी, उसमें भी बहुत ही कम पानी डालेंगे जितना हमारा राइस ग्राइंड हो जाए। तो ये देखिए इसमें भी मैंने उतना ही पानी डाला है जितना ये पीस जाए, उतना ग्राइंड हो जाए। फिर इन दोनों को मिला लेना है बाउल में। उसके बाद इसमें सिर्फ और सिर्फ हमें सॉल्ट डालना है। सॉल्ट डालने के बाद थोड़ा सा इसमें हाथ मारेंगे तो ये देखिए फर्मेंटेशन रेडी हो चुका है इसे पीसने के बाद। ये देखिए बिल्कुल फॉर्मेट हो गया है। अब इसको जो हमारा कोकोनट सेल है उसको उसमें हल्का सा बटर या घी या हल्का सा ऑयल लगाना है। लगाने के बाद फिर इसको हम करेंगे स्टीम। तो इसको जब हम तोड़ते हैं तो इसको बीच से ही तोड़ना है। तोड़ने के बाद ये जो ऊपर ऊपर के जो छिलके रहते हैं इसको हमें साफ़ कर लेना है। साफ करने के बाद फिर इसको हमें स्टीम करेंगे। ये देखिए इस तरह से, ज़्यादा पूरा भरना नहीं है, बस आधा ही इसमें डालना है बैटर, ताकि जब फर्मेंट है तो ऊपर तक बढ़िया से ये आ जाए। तो आप गार्निश में आप चाहे आप मस्टर्ड सीड, रेड चिल्ली होल, करी पत्ता, ये सब कर सकते हैं आप अपने चॉइस के अनुसार। ये देखिए इसमें मैंने अब इसे 20 मिनट तक ही इसको हम स्टीम करेंगे। 20 मिनट में हमारी इडली बनकर तैयार हो जाएगी। ये देखिए बिल्कुल 20 मिनट हो चुका है, अब इडली हमारी बिल्कुल ये बन के अच्छे से ये तैयार हो चुकी है। तो आप इसे सांभर के साथ, चटनी के साथ या होममेड कोई चटनी बना के इंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल कोकोनट सेल इडली बनकर तैयार है। कितनी सॉफ्ट बनी है, इजीली आप ये बिल्कुल इजीली निकल जाएगी। ये देखिए जब आप इसमें अच्छे से ऑयल लगाएंगे या बटर लगाएंगे, घी लगाएंगे, तो ये इजीली निकल जाएगी। अब इसे आप घर पर ही बना के बच्चों के साथ, फैमिली के साथ इंजॉय कर सकते हैं। धन्यवाद। मुझे आशा है कि आपको वीडियो या रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और जल्दी आने वाली वीडियो का आनंद लें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।